अब मेडुला में होता क्या है, कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, नर्व्स होते हैं। सो एग्स से रिलेटेड कुछ भी नहीं होता, ये हो गया हमारा मेडुला पार्ट। ठीक है, अभी मैं दूसरा पार्ट आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई जो आउटर पार्ट है, ये पूरा आउटर पार्ट, ये आउटर पार्ट को हम लोग कहेंगे, ये दिस इज एंटायर आउटर पार्ट ना, बाहर वाला पार्ट, अभी ये वाला सारा, तो इसको हम लोग कहेंगे कॉर्टेक्स पार्ट। ठीक है, अभी ये कॉर्टेक्स में हम लोगों को क्या मिल रहा है, देर आर द ओवेरियन फॉलिकल्स। लेकिन ये ओवेरियन फॉलिकल जो आपको दिख रहे हैं, क्या सारे के सारे का साइज सारों का साइज जो है वो सेम है क्या? तो आंसर इज नो। अब एक आपको दिख रहा होगा कि एक छोटी सी एग सेल यहाँ पे बन रही है, यहाँ पे छोटा सा, इसको हम लोग प्राइमोर्डियल सेल्स बोला। फिर इधर थोड़ा बड़ा डायग्राम दिया है, प्राइमरी फॉलिकल्स बोला है, फिर थोड़ा बड़ा दिया है, सेकेंडरी फॉलिकल बोला है, फिर टर्शरी फॉलिकल बोला है। आप देख रहे हो साइज बढ़ते जा रहा है। देन वी कैन सी दैट आगे यहाँ पे एक जगह पे हम लोग को ग्रेफियन फॉलिकल्स दिखना चाहिए, जो हाईली डेवलप्ड है, उसको हम लोग ग्रेफियन फॉलिकल्स बोलते हैं। लेकिन आई थिंक यहाँ पे उन्होंने मैच्योर फॉलिकल करके लिखा, देखो ये वाला मैं आई एम हाइलाइटिंग दैट, सो दिस इज द वन, ये वाला। सो दिस इज द मैच्योर फॉलिकल, इसको ही ग्रेफियन फॉलिकल्स बोलते हैं। और फिर आगे जाके आप देख रहे हो कि फूट गया, उसमें से एग ओवम इज बाहर निकला है और फिर ये वापस से डीजनरेट हो रहा। मतलब जब आप इस डायग्राम को नोटिस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा कि ये जो ओवेरियन फॉलिकल्स है वो डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस में है। मतलब कुछ एकदम ही छोटी है, जिनको हम लोग प्राइमरी फ्रॉड या प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स बोलते हैं, फिर प्राइमरी फॉलिकल्स, फिर सेकेंडरी फॉलिकल्स, लाइक दैट वी गो ऑन कंटिन्यू। ठीक है, अब मैं आपको इसको कंपेयर कर रही हूँ विद एनी एक झाड़ है जिसके में फ्लावर्स आते हैं। तो क्या आपको सारे के सारे झाड़ के जो बर्ड्स निकलते हैं, कलियां निकलती है, एक ही टाइम में ग्रो होता है और एक ही टाइम में बंद होती है क्या? आंसर इज नो, है ना। फ्लावर्स के कुछ एकदम छोटी सी कलियां होती है, फिर एक खिला हुआ फ्लावर रहता है, फिर और एक बड़ा फ्लावर रहता है, लाइक दैट उसका साइज अलग अलग रहता है। वैसे ही हमारे ओवरी के अंदर, अब ये जो ओवरी है, ये कौन सी ओवरी हम लोग शेयर कर रहे हैं, दिस इज द टीएस ऑफ ओवरी जो एक फुल्ली मैच्योर्ड गर्ल के बॉडी में है। ओके, और एग फॉर्मेशन अभी दिख रहा है तो डेफिनेटली वो 13 साल क्रॉस कर चुकी है या उसका मेंसेस पीरियड स्टार्ट हो गया है, वो पीरियड में हम लोगों को ये ओवरी हम लोगों को नजर आती है। अभी वापस से आपको बता रही हूँ कि जो छोटे से फॉलिकल से उनको हमने क्या कहा, प्राइमोर्डियल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, और जो फुल्ली ग्रोन है उसको हमने कहा ग्रेफियन फॉलिकल। अगेन मैं उस ग्रेफियन फॉलिकल को हाईलाइट कर रही हूँ, सो दिस इज द ग्रेफियन फॉलिकल, ये मैंने हाईलाइट किया। ठीक है, अब इसके अंदर एक ऊसाइट लेबल्ड किया है। देखो आप डायग्राम में, सेम उसी डायग्राम में देखोगे ऊसाइट लेबल्ड किया। आप देखो ऊसाइट कहाँ तक जा रहा है, ये पूरे फॉलिकल के अंदर एक छोटा सा ऊसाइट है जो एक्चुअल एग है, या जिसको हम लोग एक्चुअल ओवम बोलते हैं। अब एक पीरियड आता है जिसको हम लोग कहते हैं ओव्यूलेशन, हम लोग मेंसेस में उसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। उस वक्त में क्या होता है, ये जो ओवेरियन फॉलिकल है वो माइग्रेट होती है, पूरा ओवेरियन फॉलिकल मतलब एंटायर दैट ग्रेफियन फॉलिकल माइग्रेट होती है टुवर्ड्स द बॉर्डर, और उसमें से जो हमने अभी ओसाइट दिख रहा है ना अंदर में जो मैच्योर फॉलिकल्स में है, और यहाँ पे ओव्यूलेटेड ओवम लिखा है तो मैं उसको वापस हाईलाइट कर रही हूँ। आप देख रहे हो ये जो ओव्यूलेटेड ओवम निकला है वो नथिंग बट द जो ओसाइट अंदर में है वही चीज है। अब यहाँ पे क्या होगा, जो मैच्योर्ड ओवम होगा वो निकलेगा बाहर। अब क्या सारी की सारी ओवेरियन फॉलिकल या मैच्योर्ड ग्रेफियन फॉलिकल बाहर आई है क्या? आंसर इज नो। जो बचा हुआ पार्ट होगा, नाउ आई एम शोइंग द रिमेनिंग पार्ट, आप देख रहे हो यहाँ पे ये जो रिमेनिंग पार्ट है ना, इसका जो बचा हुआ पार्ट है दिस वन, ये बचा हुआ पार्ट जो है ये तो अंदर रह गया, सिर्फ एक को बाहर निकाला। ये पार्ट ग्रेफियन फॉलिकल्स का कन्वर्ट होता है एक मास में, और वो मास को हम लोग कहते हैं, हम उसको कहते हैं ये वाले पार्ट को कॉर्पस ल्यूटेम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अब ये कॉर्पस ल्यूटम कहां से बना, ग्रेफियन फॉलिकल से। कब बना, जब उसके अंदर का एग बाहर निकला और बचे हुए पार्ट से ये बना कॉर्पस ल्यूटम। अब इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन एक हार्मोन को सिक्रेट करना है जिसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन, मैंने आपसे स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। ये प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है कि हर मंथ में बॉडी को ऐसे है कि जो एग निकला है ना बाहर, दैट व्हाट एवर दैट एग इज कम आउट, जो भी एक बाहर निकला है ये वाला एग, ये आगे जाके फर्टिलाइज्ड होने वाला है, ऐसे हमारे बॉडी को लगता है। तो उसके लिए जो भी प्रिपरेशन चाहिए हमारे ओवरी में या हमारे सॉरी यूट्रस के अंदर वो करना स्टार्ट करता है। मतलब
सेल्स का डेवलपमेंट को बढ़ाता है, बहुत सारे सेल्स बनाता है। जैसे मैं अगर हमें झाड़ लगाना है तो नीचे मट्टी अगर प्लेन रहेगी तो उसके ऊपर झाड़ रख के झाड़ तो नहीं लगेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, या तो एक्स्ट्रा मट्टी डालनी पड़ेगी या तो खोद के और मट्टी बनानी पड़ेगी, तो ही जाके झाड़ उसके अंदर अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पर वो जो अंदर का यूट्रस है वहां पे बहुत सारे सेल्स रहेंगे, तो ही ये एग उधर जाके इम्प्लांट हो जाएगा। तो उसको इम्प्लांट करने के लिए जो सेल्स का ग्रोथ होता है वो करने का काम करता है कॉर्पस ल्यूटियम। ये अंदर का यूट्रस के थिकनेस को बढ़ाएगा और जिसके वजह से आसानी से जाके हमारे जो यूट्रस है उसमें एक फर्टिलाइज्ड जो एग होगा वो जाके वहां पे इम्प्लांट हो जाएगा। ठीक, अभी मान लो कि ये ओव्यूलेशन हो गया और देयर इज नो स्पर्म इनसाइड द फीमेल्स बॉडी और ये फर्टिलाइज्ड नहीं हुआ, ये बंदा फर्टिलाइज्ड नहीं हुआ। अब ऐसे वक्त में क्या होगा, जब एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड है उस वक्त में ये जो कॉर्पस लुटेम है नेक्स्ट मंथ में ये निकल जाएगा, इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि एक फर्टिलाइज नहीं हुआ तो प्रेगनेंसी नहीं है, प्रेगनेंसी नहीं है तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई करने की जरूरत नहीं है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल अगर हाई करने की जरूरत नहीं है तो ये कॉर्पस लुटेम की भी जरूरत नहीं है। इस वक्त में ये कॉर्पस लुटेम एक ऐसे मास में कन्वर्ट हो जाएगा जो डीजनरेट हो रहा है, जो छोटा हो रहा है, कम हो रहा है, और वो पार्ट्स को हम लोग कहते हैं कॉर्पस अल्बिकन्स। हम उसको क्या कहते हैं, कॉर्पस अल्बिकन्स। इसका कोई रोल नहीं है, धीरे धीरे ये डीजनरेट हो जाता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये एंटायर जो मैंने आपको डिस्कस किया दैट वाज द टीएस ऑफ ओवरी। ओवरी का टीएस है, ये आपको प्रैक्टिकल्स में भी आता है, स्लाइड्स देख के आपको पहचानना होता है कि ये कौन सी स्लाइड है, और आपको उसको होप सब लोगों को जो मैंने अभी डिस्कस किया आप लोगों को टीएस ऑफ ओवरी वो आप लोग को समझ में आ गया होगा। सो मैं जस्ट आप लोग का एक फीडबैक लेती हूँ फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। बच्चा लोग अभी जो टीएस ऑफ ओवरी बताया वो सबको समझा बराबर से है? यस मैम। अभी आगे बढ़ रही हूँ, आई एम गोइंग फॉरवर्ड। यस, आई एम मूविंग फर्दर। ओके, नाउ आई एम मूविंग फर्दर। अभी नेक्स्ट मैं आप लोगों के साथ जो शेयर कर रही हूँ दैट इज ये जो हमारा एग है, जो ओवरी के अंदर जो एग था ना, ये वाला, जस्ट शेयरिंग विथ यू ऑल। यस, दिस इज द ग्रेफियन फॉलिकल। अभी मैंने आपको बताया ना कि एग बाहर निकलता है और डेवलप्ड होता है, तो दैट वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस ग्रेफियन फॉलिकल। अब ये ग्रेफियन फॉलिकल के अंदर क्या क्या चीज है, तो वेरी इंपॉर्टेंट, पहले मैंने आपको पहले ही बताया कि ये पूरा एग नहीं है, इसके अंदर जो ऊसाइट है वो एग है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे सेंटर में एक एग दिखाई दे रहा है। अब ये एग के ऊपर एक मेम्ब्रेन होगा, मैं बाद में मेरे नोटबुक में भी ड्रॉ करके आपको बताऊंगी कि एग होगा एक, और वो एग सेंटर में है क्या, आप डायग्राम में देख रहे हो साइड में गया है, इसलिए इसको हम कहते हैं एक्सेंट्रिक। एक्सेंट्रिक मतलब जो साइड में माइग्रेट हो गया, इट्स नॉट एट द सेंटर। अब ये एग के ऊपर एक मेम्ब्रेन होता है जिसको हम लोग कहते हैं वाइटलाइन मेम्ब्रेन। जो जो नाम बता रहे हो याद रखो, मैं पेपर में वापस इसको ड्रॉ करूंगी तो आपको रिलेट करने को आसान हो जाएगा। अब एग हो गया साइड में, एग है, उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन का नाम है वाइटलाइन मेम्ब्रेन। ये वाइटलाइन मेम्ब्रेन अपने बाहर एक लेयर बनाता है जिसका नाम है जोना पेलुसिडा। ये सारी चीजें मैंने जो गोल अभी आप लोगों को हाईलाइट किया है, वॉट एवर आई एम शोइंग यू हियर ना, ये वाला ये जो पार्ट मैंने अभी हाईलाइट किया, ये सारी चीजें यहीं पे प्रेजेंट है। मतलब सेंटर में एग है, उसका न्यूक्लियस होगा, साइड में उसके साइटोप्लाज्म होगा जिसको हम लोग ऊप्लाज्म कहते हैं, उसके ऊपर अभी ये छोटा सा एक मेम्ब्रेन रहेगा जिसको वाइटलाइन मेम्ब्रेन कहते हैं, वाइटलाइन मेम्ब्रेन के ऊपर एक लेयर होगा जिसको हम लोग कहते हैं जोना पेलुसिडा। ये जोना पेलुसिडा के ऊपर और एक लेयर होगा जिसको कहते हैं कोरोना रेडिएटा। अब वापस से रिपीट कर रही हूँ, सेंटर में उसका एक्सेल या न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के आसपास में ऊप्लाज्म है, उसके ऊपर एक लेयर है, एक सर्कल है, बाहर मेम्ब्रेन एक आउटलाइन मेम्ब्रेन है, उसको कहेंगे वाइटलाइन मेम्ब्रेन। वाइटलाइन मेम्ब्रेन के आगे ऊपर मतलब बाहर की साइड में और एक लेयर होगा जिसको कहेंगे जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा के ऊपर और एक लेयर होगा, हम उसको कहेंगे
कोरोना रेडिएटा। मैंने आपको जो भी चीजें अभी बताई, जो मैंने सर्कल किया है वो डायग्राम को रेड से, उसी के अंदर ये सारी चीजें हैं। अब ये तो पूरा फॉलिकल है, एक फॉलिकल जो बाहर निकाला। अब ये फॉलिकल के अंदर अगर हम लोग फॉलिकल का बाहर का साइड देखते हैं, अगर हम फॉलिकल का बाहर का साइड देख रहे हैं तो हम लोग अगर बाहर का साइड देखते हैं तो ये जो लेयर दिख रहा है ना आपको, दिस वन, ये देखो, ये जो बाहर का लेयर में जिसको भी लाइन रेड लाइन से आउटलाइन किया, ये ऊपर वाला, ये बाहर के लेयर को हम लोग कहते हैं थीका एक्सटर्ना। थीका मतलब कवरिंग, एक्सटर्ना बाहर वाली। ठीक, अभी आप डायग्राम में भी देख रहे होंगे, वहां पे लेबल भी किया अच्छे से, थीका एक्सटर्ना आउटर मोस्ट लेयर। उसके बाद नीचे आप लोग देख रहे हो देयर इज वन मोर लेयर कॉल्ड एज थीका इंटरना। मैंने उसको अंडरलाइन किया है रेड इससे। अब चलो, ये थीका इंटरना क्या करता है, मैंने आपको प्रोजेस्टेरॉन किसने सिक्रेट किया बताया, आप लोग को याद रखना है प्रोजेस्टेरॉन इज सिक्रेटेड बाय द हम लोग ग्राफियन फॉलिकल्स, जो कॉर्पस लूटियम में कन्वर्ट होता है वो हार्मोन सिक्रेट करता है जिसका नाम हमने क्या पढ़ा था, प्रोजेस्टेरॉन। अभी जो हम लोग मैं आपको जो दिखा रही हूँ दैट इज अ थीका इंटरना। अब ये थीका इंटरना एक हार्मोन सिक्रेट करता है फीमेल्स बॉडी के अंदर जिसका नाम है एस्ट्रोजन। नाम याद रखो, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन किसने सिक्रेट किया, थीका इंटरना ऑफ ओवेरियन फॉलिकल। अब ये एस्ट्रोजन का रोल क्या है, एस्ट्रोजन क्या करता है, एक फीमेल डेवलप्ड होने के बाद में उसको जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप्ड होते हैं, मतलब जैसे ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है, वॉइस में चेंज होता है, प्यूबिक हेयर्स आते हैं बॉडी में, फीमेल फैट डिपोजिशन होता है। देखो पीछे से लड़के की बॉडी और लड़की की बॉडी हम लोग यूजुअली उसके मूवमेंट से या बॉडी के स्ट्रक्चर से पहचान पाते हैं, क्योंकि जो फैट डिपोजिशन है वेस्ट के साइड में या बैक साइड में वो फीमेल्स में अलग है, मेल्स में अलग है। तो फ्रॉम दैट ऑल्सो वी कैन कम टू नो, तो ये जो डिफरेंसेस हमको मिल रहा है एक मैच्योर्ड बॉय और गर्ल के अंदर, ये गर्ल्स के जो कैरेक्टर्स है वो एस्ट्रोजन कंट्रोल करता है, जो मैंने अंडरलाइन करके आपको पार्ट बताया था जिसका नाम है थीका इंटरना। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे ना एक वन मोर, अभी इसको मैं इरेज कर देती हूँ, और आप देख रहे हो वन मोर लेयर इज देयर जो अराउंड थोड़ा सा ऐसे येलोइश लेयर का ना, ये जो मैंने अभी सर्कल किया जिसको, ये लेयर को हम लोग कहते हैं ग्रैन्यूलोसा सेल्स। ये लेयर को क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रैन्यूलोसा सेल्स। ये ग्रैन्यूलोसा सेल्स आप देख रहे हो पूरे बाहर से तो उसने पूरा एनसर्कल तो किया है, लेकिन अभी जब आप अंदर आ रहे हो, ये अंदर की साइड में टुवर्ड्स द एग, जैसे ये बाहर में तो है पूरा ना, और जैसे ही वो हम लोग अंदर की तरफ आते हैं तो हम देख रहे हैं कि एग के ऊपर एक वो लोग क्या बना रहे, एक हिप बनाया, एक ढेर बनाया है ग्रैन्यूलोसा सेल्स ने। ये ढेर को हम लोग कहते हैं डिस्कस प्रोलीजीरस, हम उस ढेर को कहते हैं डिस्कस प्रोलीजीरस। और ये डिस्कस प्रोलीजीरस के ऊपर हम देख रहे हैं जो एग है वो वहां पे लॉज्ड है, दैट एग इज ऑन द डिस्कस प्रोलिजिरस। माय डियर स्टूडेंट्स, ये डायग्राम सिर्फ ग्रेफियन फॉलिकल का है, तो अगर आप लोगों को क्वेश्चन आता है कि आप एक्सप्लेन करो ग्रेफियन फॉलिकल को या स्ट्रक्चर को, तो यू पीपल कैन शो विद दिस। ठीक, सो दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर्ड, वी कैन से दैट द ग्रेफियन फॉलिकल। ठीक, अभी हम लोग मैंने जो आपको बताया था ना, तो एक बार उसको मैं ड्रॉ करके आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि मेरे बैक कैमरा से देखो आप लोगों को अभी स्क्रीन पे मेरा जो नोटबुक है वो दिखाई दे रहा होगा। आई एम सिंपली एक्सप्लेनिंग यू कि जो आपने पढ़ा वो एग्जैक्टली क्या था। देखो अभी मैं मेरा पेन जहाँ पे जा रहा है, होप सबको दिखाई दे रहा होगा। तो हाँ, ये जो चीज है ना, चलो ये दिस वन, ये मैं जो मैंने हाईलाइट किया, ये गोल चीज जो है वो हमारा एग है। हाँ, ये उसका न्यूक्लियस है एग का सेंटर में, ये उसका सेंटर में न्यूक्लियस है और ये एग का ऊपर का लेयर है जिसको हमने नाम दिया था व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन। मैंने कहा था आप लोग नाम याद रखो, सो दिस इज द व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन, और इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म रहता है उसको ऊप्लाज्म कहते हैं, जो मैंने डॉट डॉट से आपको दिखाया है। माय डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक और लेयर है, जो मैं अभी रेड पेन से यहाँ पे इसको स्क्रिबल्ड कर रही हूँ ना, ये वाला, ये रेड वाला पार्ट, इसका नाम है, देखो व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन के बाद अगर आपको याद होगा नेक्स्ट नाम मैंने लिया था जोना पेलुसिडा, तो ये रेड वाला पार्ट जो है वो जोना पेलुसिडा है। ठीक, अब इसके बाद में मैं और एक लेयर ड्रॉ कर रही हूँ, आप देख रहे हो यहाँ पे मैं ऐसे ब्लैक
स्केच पेन से एक रेडिएटिंग रेज के जैसे, जैसे हम लोग सन को ड्रॉ करते थे बचपन में एंड वी वर शोइंग दैट रेज नो, सो ऐसे पूरे रेज साइड में रहेंगे, ये लेयर को हम लोग कहते हैं कोरोना रेडिएटर, रेज की तरह निकलता है इसलिए कोरोना रेडिएटर कहते हैं। ठीक, अब इसके बाद में हम लोगों को ये वाले जो लेयर मिल रहा है, दीज लेयर्स ऑल, ये फुल, ये जो पूरा लेयर हमने देखा था येलोइश कलर का हमारे डायग्राम में, उसको हम कहते हैं ग्रैन्यूलोसा सेल्स। ये कोरोना रेडिएटर भी बनाने के लिए ग्रैन्यूलोसा सेल्स ही हेल्प करते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे भी एक पूरा कोरोना रेडिएटर का क्या था, सॉरी ये ग्रैन्यूलोसा सेल्स का पूरा एक हिप था, हमने पढ़ा था ना डिस्कस प्रोलीजिरस, ये इसके ऊपर ये एग यहाँ पे लॉस्ट है। अब इसके बाहर में मतलब ये आउटर और ये इनर, ऐसे दो लेयर होगा जिसको बाहर को हमने नाम दिया था थीका एक्सटर्ना, अंदर वाले पार्ट को नाम दिया था थीका इंटरना। और थीका इंटरना के बारे में हमने ये भी पढ़ा था कि जो हमारे सेल्स होते हैं ना, कौन से वाले सेल्स, सॉरी जो हमारा हार्मोन रहता है एस्ट्रोजन, दैट हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय द थीका इंटरना। तो अगर आप लोग को एमसीक्यूज का भी क्वेश्चन आता है समटाइम्स कि भाई थीका सॉरी एस्ट्रोजन इज सिक्रेटेड बाय डैश, तो ओवरी भी है और थीका इंटरना भी है, तो आपको टिक जो करना है आंसर दैट यू हैव टू जॉइन टू व्हिच पार्ट यू विल से, यू विल से टू द थीका इंटरना पार्ट, ये आपका अप्रोप्रिएट आंसर होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, विद दिस हम लोगों ने क्या फिनिश किया कि जो ओवरी का पार्ट है वो फिनिश किया। अब आगे के पार्ट को एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। नाउ अभी मैं वन मोर डायग्राम आई वांट टू शेयर विथ योर पीपल, जो अभी मैंने जस्ट दिखाया था, एक मिनट शेयर। हाँ अभी ये वही डायग्राम है जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि इसके अंदर अब देखो, हाँ ये जो मैंने पहले आपको डिस्कस किया ये पूरा पार्ट है, इसको हम लोग ओवरी कहते हैं। ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ये उसका ब्रॉड लिगामेंट्स है जो उसको जॉइंट करके रखता है। ठीक, ओवरी से रिलेटेड जो भी माय डियर स्टूडेंट्स, मैं 2:30 तक आपको फिनिश ऑफ कर दूंगी। आई थिंक तुम लोगों का कुछ लेक्चर्स भी है, किसी का मुझे मैसेज अभी दिख रहा है कि आप कितने बजे तक लेक्चर ले रहे हो, तो आई विल बी टेकिंग अप टू 2:30, या जैसे ये सिस्टम खत्म हो जाएगा आई विल स्टॉप, आई वॉन्ट बी कंटिन्यू। ठीक है, आई थिंक आप लोग का और भी कोई लेक्चर है क्या मेरे बाद, प्लीज रिप्लाई करो तो मैं उस हिसाब से वाइंड अप भी कर लूंगी मेरे लेक्चर को। ठीक है, एक्चुअली आई वांट टू फिनिश दिस एंटायर सिस्टम, तो प्लीज जरा बता देना। यस मैम, क्या है लेक्चर है क्या कोई मेरे बाद में, आई जस्ट वॉन्ट टू नो। यस मैम है, कितने बजे, 2:30, ओके डियर्स, तो 2:30 को मैं फिनिश ऑफ कर दूंगी जितना भी मेरा पढ़ा के हो जाएगा। ठीक, और नेक्स्ट इसमें फिर हम लोग कल के लेक्चर में वो कंटिन्यू करेंगे। ओके, इज इट ओके, ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर अपडेटिंग मी। नहीं, कुछ बच्चों का ऐसा लिखा है कि नो लेक्चर आफ्टर यू, कुछ बच्चों का जोहर का सर का लेक्चर है, तो डेफिनेटली भी सी और डी डिवीजन के बच्चों, तो जोहर सर ने अपने हिसाब से रखा रहेगा। सो अभी सबका एक साथ ही लेंगे ना हम लोग, आगे पीछे नहीं लेंगे, तो मैं आगे कंटिन्यू करूंगी, तो अभी मैं 2:30 बजे तक ही आप लोग को पढ़ाऊंगी और मैं फिनिश अप कर दूंगी, बाद में आप जोहर सर के लेक्चर में ज्वाइन कर लेना। अरे पता नहीं यार, अभी आई डोंट नो, मैं अभी यहाँ पे बैठ के देखो, अगर पढ़ना है तो ठीक से पढ़ो, झूठ बोल के पढ़ रहे हो तो अभी आप लोग को पता, इसको मैं कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ, जो झूठ बोलने वाले लोग होते हैं आई कांट कंट्रोल दैट। ठीक डियर श्री, अगर देखो आप लोगों को, ये तो ऑनलाइन टीचिंग है, अगर आप लोगों को नहीं, मुझे अभी कंफर्म करो कि अभी मुझे एक मैसेज चाहिए कि डू यू हैव रियली एनी वन ऑफ यू हैव अ लेक्चर, अगर है तो प्लीज मुझे बताओ ताकि मैं स्टॉप करूं, क्योंकि अगर आप लोग को पढ़ना नहीं तो आप कभी भी मीटिंग छोड़ के जा सकते हो ना, इसमें कोई ये नहीं है, दिक्कत नहीं है, है ना। ओके डियर, जेबा ने मुझे मैसेज किया लेक्चर 2:30 से है, तो मैं 2:30 तक ही लेक्चर लूंगी। चलो अभी आगे विदाउट वेस्टिंग टाइम डालते हैं, हम वो बाद में भी देख सकते हैं, सो प्लीज बेटर आई विल फिनिश नो, ये सिस्टम हम लोग आज कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है ना, एग्री, क्योंकि जोय सर का अगर यूट्यूब में आप लोग कभी भी देख सकते हो, 2:30 बजे वीडियो डालेंगे, उससे पहले शायद कुछ इंटरेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे।
तो लेट मी फिनिश दिस, फिर बाद में आप लोग देख सकते हैं। सिस्टम तो खत्म हो जाएगा, आपको क्या पढ़ाई को ऐसे जमा करके रखना है क्या? वॉन्ट टू जस्ट फाइल ऑफ, है ना, चलेगा? ओके, सो लेट मी फिनिश दिस सिस्टम, किसी को प्रॉब्लम है तो जस्ट मुझे मैसेज कर देना। ओके चलो, अभी विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग और आगे बढ़ते हुए चलो। मैंने जो जो हाईलाइट किया वो सिर्फ मैंने बताया कि वॉट इज दिस, इट इज द लिगामेंट दिखाया और मैंने ओवरी को दिखाया, बराबर है? अभी आपको याद होगा कि सेकेंड पार्ट जो मैंने आपसे डिस्कस किया था दैट वॉज द ओविडक्ट, नाम याद रखो, उसका नाम मैंने क्या बताया, ओविडक्ट। बच्चों लोग अभी ये जो ओविडक्ट वाला पार्ट है ना, मैं अगेन इसमें हाईलाइट कर रही हूँ आप लोगों के लिए, यू कैन सी दिस, ये मैं अभी ये मैंने निकाल दिया और मैंने ओविडक्ट को हाईलाइट किया है वापस से, आप देख रहे हो यहां से लेकर ये जो पार्ट है ना पूरा, ये दिस इज एंटायर इज ओविडक्ट, ये पूरा ट्यूब जो दिख रहा है दोनों साइड में। अब ओविडक्ट जो होता है ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आप डायग्राम में देख रहे हो, सामने मैंने रखा है, और ये ट्यूब को हम लोग दूसरा भी नाम है कि फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं ओविडक्ट को, या यूट्राइन ट्यूब भी बोलते हैं। ये होता है अराउंड 10-12 सेंटीमीटर लेंथ में, इसके अंदर रहते हैं सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स। लास्ट ईयर आप लोग ने पढ़ा था सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स क्या होते हैं, छोटे छोटे सीलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये बीट करते हैं, जैसे झाड़ू कैसे आगे पीछे होता है वैसे वो बीट करते हैं, और वो क्या करते हैं, जो ओवम होता है द ओवम विच इज नॉन मोटाइल, एग मुंह नहीं हो सकता, लेकिन ये एग को यहां से ओवरी से निकल के आगे तक ऐसे जाना होता है, तो आगे तक लेके जाने का काम कौन करते हैं, ये सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स जो ओविडक्ट के पार्ट में। अब इसको भी हम तीन पार्ट्स में पढ़ते हैं, जो ओविडक्ट मैंने आपको सर्कल किया था उसके अभी हम लोग तीन पार्ट्स पढ़ेंगे। बच्चा लोग इसका पहला पार्ट जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये वाला पार्ट है, या उसी को मैंने यहां पर भी दिखाया, ये वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं इनफंडिब्यूलम। ये फनल शेप होता है और इसकी जो टिप पे हमारी फिंगर्स कैसे हो रही है, अगर आप गौर से इस डायग्राम को देखोगे तो इसके टिप के ऊपर फिंगर जैसे प्रोसेस है, उंगलियों जैसे प्रोसेस, फिम्ब्रे, ये उंगली मतलब एक हाथ इमेजिन करो कि हाथ ने होल्ड किया, इट्स समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। हाथ के सेंटर में इमेजिन करो एक छोटा सा होल है, उसको हम लोग कहते हैं ऑस्टिया। ये ऑस्टिया के अंदर, ये होल के अंदर जब एग निकलता है ना, व्हेन वी से दैट अगेन, मैं बता रही हूँ कि भाई यहां से एग निकला ना, ये एग, तो ये एग जो निकलेगा, ये एग यहां से निकल के ये फिम्ब्रे के अंदर, उस होल के अंदर जाएगा, ऑस्टिया के अंदर। तो फैलोपियन ट्यूब का काम क्या होगा, एग को रिसीव करना। एक को रिसीव करने के बाद एक जो है धीरे धीरे, देखो आप देख रहे हैं मैंने ट्रैक कर रही हूँ, इस तरह से वो आगे आगे चलता जाएगा। ठीक, अभी मैं जो पार्ट में आपको दिखा रही हूँ ना, द वन विच आई एम शोइंग यू नाउ, यहाँ पे एक पार्ट येलो इससे मैंने दिखाया है, एक छोटा सा पार्ट मैंने दिखाया, ये पार्ट को हम लोग कहते हैं एम्प्यूला। मैं इसको यहाँ पर, देखो यहाँ पर एक लेबल दिखाया है आपके दूसरे डायग्राम में, उसका नाम है एम्प्यूला। एम्प्यूला क्या चीज है, ये फैलोपियन ट्यूब का, या इट इज हम लोग उसको ओविडक्ट भी कहते हैं, उसका वो पार्ट है जहां पर एक्चुअल फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग्स होता है। फैलोपियन ट्यूब पे एक्चुअल फर्टिलाइजेशन जो होता है वो यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब के पास होता है। एक मिनट, हाँ बच्चों लोग मैंने वॉइस का तो चेक किया है तो अनम्यूट में ही है, शायद एक दो बच्चों को आवाज नहीं आ रही होगी, बाकी बच्चों को शायद आ रही होगी, और जिनको नहीं आ रही आवाज, आप जब ये आपका स्क्रीन है उसके एक्सट्रीम लेफ्ट में म्यूट और अनम्यूट ऐसे दो रहते हैं, अगर रेड आइकॉन है तो अनम्यूट हो गया आपका, तो आपको शायद आवाज नहीं आ रही होगी। होप मेरी बाकी बच्चों को आवाज आ रही है, अगर नहीं प्लीज जरा अपडेट्स करो तो आगे बढ़ू मैं, कोई तो एक मैसेज कर लो कि आवाज आ रही है क्या मेरी बाकी बच्चों को। यस ओके बेटा, जिसको आवाज नहीं आ रही है ना, मेरे साथ भी होता है ऐसे कि लेफ्ट में एक म्यूट और अनम्यूट का बटन है ना, आप उसको क्लिक करोगे तो देखोगे शायद आपका बंद हो गया होगा, बेटा उसको ऑन करो तो आपको मेरी भी आवाज आ जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग, मैंने आपको जो पार्ट हाईलाइट करके दिया था दैट ओके शायद कभी कभी आ रही है कभी कभी नहीं आ रही है, तो ये शायद नेट के ऊपर होगा कि नेट कनेक्टिविटी किस तरह से मिल रहे है। मैंने आपको कल भी बताया कि मैं थोड़ा रिमोट रहती हूँ अभी फ्रॉम द मुंबई, तो यहाँ पे नेट कनेक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं होती है जैसे मेरी मुंबई में रहती है, स्टिल अभी बियर विथ मी। और बच्चा लोग मेरे लेक्चर होने के बाद में तो आप लोगों को जैसे कल पीपीटीज डाले थे, आज भी पीपीटी मैं पोस्ट करूंगी और वॉट एवर आई एम टीचिंग यू नाउ वो सारा चीज उसमें आ जाएगा, तो आप उसको देख सकते हो, नेक्स्ट लेक्चर में मुझे पूछ भी सकते हो। ठीक है ओके, नाउ कमिंग बैक टू माय पॉइंट, मैंने जो येलो पार्ट में हाईलाइट किया उस पार्ट को हम लोग कहते हैं एम्प्यूला रीजन। ये एम्प्यूला रीजन में एक्चुअल फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब एग और स्पर्म एक दूसरे को जहां पे मिलते हैं वो ये वाला पार्ट, वहां पे एम्प्यूला, उसको एम्प्यूला रीजन कहते हैं।
अब मैं और एक चीज आपको तीसरा पार्ट दिखाना चाहती हूँ इसी का. सो अगेन आई एम गोइंग टू हाईलाइट दैट पार्ट. ग्रीन से नहीं, ग्रीन तो ऑलरेडी है, ब्लू से करते हैं. बच्चों लोग यहाँ पे आप देख रहे हो एक ज्वाइनिंग पार्ट दिख रहा है यहाँ पे. हाँ, ये वाला ज्वाइनिंग जो मैंने ब्लू से ड्रॉ किया, सिमिलरली यहाँ पर भी है. ये ट्यूब जैसा पार्ट है जो ओवी डक्ट को कहाँ पे ज्वाइन कर रहा है. ये देखो ये वाला पार्ट, ये दिस इज अ यूट्रस है ना. ये ब्लैडर जैसा दिख रहा है ना, इसको यूट्रस कहते हैं. तो ये जो मैंने अभी साइड में अभी दो ड्रॉ किए थे, शायद मैं उसको वापस से रेड में दिखा रही हूँ, ये दो साइड वाले, इनको हम लोग कहते हैं इस्थमस. नाम याद रखो, इस्थमस. बायोलॉजी में मेन प्रॉब्लम है नेमिंग्स का. नेमिंग्स थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, एक बार वो हम लोग यूज टू हो जाएंगे लेबल से तो बायोलॉजी बहुत ईजी है कम्पेयर टू योर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. सिर्फ लेबल्स को अच्छे से याद करके रखो, उसको बार बार याद करो तो याद हो जाएंगे. सो मैंने अभी जो आप लोग को हाईलाइट किया था, दैट इज द इस्थमस पार्ट जो ज्वाइन करता है फैलोपियन ट्यूब को हमारे यूट्रस से. ठीक, अभी हम लोग का ये पार्ट हो गया. अब इसका फंक्शन क्या है, अगर हम मैं पूछूंगी व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ये पूरा यूट्रस या नॉट यूट्रस, ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब का, तो एक फंक्शन क्या होगा कि एक जो मैच्योर्ड एक बाहर निकलता है उसको रिसीव्ड करना. दूसरा फंक्शन क्या होगा, एम्प्यूला रीजन में फर्टिलाइजेशन करना एग और स्पर्म का. और तीसरा फंक्शन अगर हम लोग कहेंगे कि भाई क्या है, तो तीसरा फंक्शन उसका क्या रहेगा कि ये जो इस्थमस होगा वो ज्वाइन करेगा ओविडक्ट को यूट्रस से. अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तीसरा पार्ट कुछ एक मिनट. ओके चलो अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग कि देखो फैलोपियन ट्यूब और ओविडक दोनों एक ही चीज है, उसी को ही हम लोग देखो. ओविडक भी वही है, फैलोपियन ट्यूब भी वही है, और यूट्राइन ट्यूब भी वही है. इट इज वन एंड द सेम थिंग. तीनों चीजें एक ही है, उसी के अलग अलग नाम है. और फिर उसके अंदर हम लोगों को जो ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब का हो या यूट्राइन ट्यूब का, उसके तीन पार्ट्स मिलते हैं. इनफंडिबुलम जो हाथ के जैसा आपको दिख रहा है, फनल के जैसा दिख रहा है आगे में, उसके पार्ट्स है फिम्ब्रे और ऑस्टिया. बीच वाला पार्ट मैंने हाइलाइट किया था जहां पे एम्पुला पार्ट कहा था, जहां पे एक फर्टिलाइज होता है. और तीसरा पार्ट जो ज्वाइनिंग वाला पार्ट है इस्थमस का, वो ज्वाइनिंग वाला पार्ट है. ठीक, होप यू अंडरस्टैंड दिस थ्री. अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग, दैट इज अबाउट द यूट्रस. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द फीमेल्स बॉडी. अब मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ. देखो ये जो पूरा है, ये पूरा यूट्रस पार्ट है. ठीक, अभी ये यूट्रस पार्ट जो है उसका जो लेंथ होता है, इट इज 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 सेंटीमीटर ब्रॉड एंड 2.5 सेंटीमीटर थिक. अगेन आई रिपीट, 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 सेंटीमीटर ब्रॉड और 2.5 सेंटीमीटर थिक. मैं चलो मैं आप लोग को इतना क्यों स्ट्रेस करके उतना उसका क्या कहते हैं डायमेंशंस बता रही हूँ. अभी आप कभी अपने को सिस्टम्स पूरा एक्सप्लेन करने के लिए आता है कि एक्सप्लेन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और हम लोग वो पार्ट्स के बारे में लिखते हैं. तो ये छोटे छोटे नंबर्स है जो याद रख सकते हैं हम लोग, कोई बहुत डिफिकल्ट नंबर्स तो है नहीं. तो हमारे आंसर्स में जब हम लोग इस तरह से लिखते हैं ना पॉइंट्स कि भाई इतना डायमेंशन है, तो जो एग्जामिनर होता है उसको लगता है हाँ आपने बहुत अच्छे से उसके बारे में पढ़ा है, तो आपको एक एक्स्ट्रा वेटेज मिल जाता है आपके मार्क्स को. तो इसके लिए छोटे छोटे जो आपके रहेंगे वो आपने ऐड करने हैं. ठीक है, कोई तो बीच बीच में हाथ रेज कर रहा है, अगर आप लिख के कुछ लिखना चाहते हो तो बेटा प्लीज चैट में लिखो, क्योंकि वो मैं हैंड्स रेज हो रहा है वो आगे जाके मैं क्या कर मतलब करके मिल नहीं रहा है मुझे व्हाट आई कैन डू विथ यू. सो प्लीज यू चैट इट. बीच में हाथ रेज करने से बदले आप मैसेज डाल दो, मुझ तक आपके मैसेज मिल रहे हैं. ठीक, ओके कमिंग बैक टू पार्ट. अभी यूट्रस के तीन पार्ट याद रखना है. पहले पार्ट का नाम है फंडस. अभी मैंने इसको वापस से आपको यहाँ पे हाईलाइट किया. अब आप ऊपर डायग्राम में भी देख रहे हो, एक सेकेंड एरो दिखाया ना, तो मैंने जो गोल पार्ट किया उसको कहते हैं फंडस. अब जब बच्चा डेवलप हो गया, देखो ये पार्ट में मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे एम्पुला पार्ट है, मैं अभी इसको हाईलाइट कर रही हूँ. एम्पुला पार्ट में एक फर्टिलाइज हो गया, और ये फर्टिलाइज एग धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और यहाँ पे आके वो बच्चा इम्प्लांट होता है या एग इम्प्लांट होता है. तो फंडस का काम क्या होगा, बहुत सारा वो सेल्स यहीं पे डिवाइड होती है, बहुत सारे सेल्स बनती है, और बच्चे का जो एक्चुअल इम्प्लांटेशन होता है, बच्चा के जो मदर के वोम से जहां पे अटैच हो जाता है, वो फंडस वाले पार्ट, FUNDUS. ठीक, तो अभी जो मैंने हाईलाइट किया दैट वॉज द
फंडस पार्ट। उसके बाद में मैं नेक्स्ट पार्ट में जाती हूँ, यूट्रस का ही पार्ट है सेकेंड पार्ट, उसको बॉडी कहते हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे ये पूरा जो सेंटर वाला पार्ट है इसको हम लोग बॉडी कहते हैं। तो बच्चा जैसे बड़ा बड़ा डेवलप हो जाता है तो बॉडी पार्ट में भी वो आगे बढ़ते जाता है, और इट इज अ पैसेज फॉर एग ऑल्सो, इट इज अ पैसेज फॉर स्पर्म्स ऑल्सो, वही आगे बढ़ते जाएंगे। सो ये बॉडी पार्ट है और डिस्टेंटिबल है। डिस्टेंटिबल मतलब बढ़ता है, जैसे आप लोगों ने यूरिनरी ब्लैडर के बारे में पढ़ा था ना, बढ़ता है वैसा ये भी बढ़ता है। चलो अभी तीसरा पार्ट देखो, मैंने कहा ना यूट्रस के तीन पार्ट है, ये ऊपर वाला पार्ट मैंने बताया फंडस, अभी जो मैंने सर्कल किया है उसका नाम है बॉडी। अब तीसरा पार्ट जो है दैट आई एम गोइंग टू हाईलाइट, एंड दैट पार्ट इज कॉल्ड एज सर्विक्स। तो ये जो पार्ट दिख रहा है मैंने नीचे ये किया, तो इसको हम लोग वजाइना में ओपन होती है, मतलब नीचे वाले पार्ट को हम लोग वजाइना कहते हैं। ये जो यूट्रस वाला पार्ट है उसको दो ओपनिंग होती है, एक ओपनिंग होती है जो हमारे बॉडी की तरफ अंदर की तरफ, मैं इरेज करके दिखा रही हूँ आपको वापस से। पहली जो ओपनिंग होगी जो यहाँ पे अंदर की तरफ, और एक ओपनिंग होगी बाहर की तरफ, दो मैंने छोटे सर्कल्स बनाए। अंदर वाले को हम लोग कहते हैं इंटरनल ओएस, ओएस मतलब ऑर्फिस का शॉर्ट फॉर्म है, ओएस मतलब ऑर्फाइस, ऑर्फाइस मतलब छोटा सा ओपनिंग। और यहाँ पे दूसरा मैंने किया है उसको हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल ओएस या एक्सटर्नल ऑर्फिस, वो वजाइना की तरफ है। अभी वजाइना कौन सा वाला पार्ट है, चलो दिस इज अ वजाइना पार्ट जो मैंने अभी हाईलाइट किया। अब ये वजाइना में होता क्या है कि जो स्पर्म्स डिपॉजिट होते हैं ना वो इसी पार्ट में डिपॉजिट होता है यहां से, फिर वो आगे जाके एम्पुला तक पहुंचते हैं जो मैंने डायग्राम से ड्रॉ किया। दूसरा वजाइना का क्या रोल होता है कि जो बच्चा डेवलप्ड हो गया मदर के वूम के अंदर, बच्चा बन गया यहाँ पे, बच्चा डेवलप्ड हो गया तो इसको बाहर निकलने के लिए भी वजाइना से ही आना पड़ेगा। तीसरा वजाइना का रोल क्या होता है कि जो एग हमने देखा कि भाई मैच्योर हो गया एग यहाँ पे, कहाँ पे मैच्योर हो गया, हमारे ओवरी के अंदर ये निकला, यहाँ पे इधर आके उसको कोई स्पर्म नहीं मिला, फर्टिलाइज नहीं हो गया, 24 घंटे के बाद एक डेड हो गया। डेड होने के बाद वो यहाँ पे कुछ दिनों तक रहता है, और जब अराउंड 28 डेज के बाद हमारा जब मेंसेस स्टार्ट होता है तो जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है मतलब डेड एग अलोंग विद ब्लड वो इसी पार्ट में से बाहर निकलता है। सो दैट्स व्हाई दिस वजाइना पार्ट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द फीमेल्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव, ये जो वजाइनल पार्ट है ना इसका और एक सिग्निफिकेंस मैं आपको बताना चाहती हूँ। यहाँ पे एक ग्लैंड्स होते हैं, वो उसको हम लोग वेस्टिबुलर ग्लैंड्स बोलते हैं, आप लोग के पढ़ने में वो आया भी होगा शायद। अब ये वेस्टिबुलर ग्लैंड्स क्या करते हैं, उनका एक लेयर होता है जिसको म्यूकोसा कहते हैं। अब उतना याद नहीं रखो उसको, लेकिन एक वर्ड याद रखना ग्लाइकोजन। ये वजाइना पार्ट जो है सेंटर में यहाँ पे, ये वाला पार्ट में यहाँ पे ग्लाइकोजन स्टोर होता है। हमारे बॉडी में जितने भी ओपनिंग्स होते हैं वहां से, हमारे बॉडी में जितने भी ओपनिंग्स होते हैं वहां से इन्फेक्शन होने का चांसेस रहता है। तो ये भी एक ओपनिंग है, तो बैक्टीरियल वायरल वगैरह ग्रोथ हो सकती है, फंगल ग्रोथ हो सकती है। इसलिए देखो नेचर ने हमारे लिए क्या किया, उस पार्ट में ग्लाइकोजन का स्टोरेज है। ग्लाइकोजन के वजह से आप लोग ने वो क्या कहते हैं रेस्पिरेशन पढ़ा होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड ऑल, तो यहाँ पे बनता है लैक्टिक एसिड, एसिड बनता है। Okay, dear students, कुछ बच्चों का लेक्चर है, मैं वजाइना में स्टॉप करती हूँ। कल मैं एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स लूंगी, तो जस्ट वजाइना में के एक लास्ट पॉइंट में क्लियर करती हूँ कि यहाँ पे ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन सिक्रीट करता है और यहाँ पे उस ट्रैक को एसिडिक बनाता है, और एसिडिक होने की वजह से इन्फेक्शन यहाँ पे नहीं होता। वजाइना का जो ओपनिंग होता है ना, दैट ओपनिंग को, दिस इज द वजाइनल ओपनिंग, दिस वन, यहाँ पे एक ओपनिंग को हम लोग कहते हैं वजाइनल ऑर्फाइस, ऑर्फाइस मतलब ओपनिंग, मैंने पहले भी आपको बताया। और यहाँ पे एक ना मेम्ब्रेन जैसा रहता है उसको हाइमेन कहते हैं, HYMAN। ये हाइमेन क्या करता है, पार्टली कवर्ड रहता है, और जो है हम लोग बोलते हैं ना कि भाई पर्सन इज वर्जिन है या नहीं है, तो हाइमेन अगर इंटैक्ट है तो वर्जिन है, हाइमेन अगर निकल गया तो नॉन वर्जिन है। बट एक्चुअली इट इज नॉट ट्रू, बिकॉज पहले के जमाने में लेडीज लोग जो रहते थे वो सिर्फ मतलब फिजिकल उतना काम नहीं करते थे। आजकल की लड़कियां साइकिलिंग करती है, हॉर्स राइडिंग करती है, स्विमिंग करती है, भागती है, दौड़ती है, तो ऐसे हमारे जब एक्टिविटीज होती है जो फिजिकली हमें बहुत एक्टिव बनाती है, तो उसके वजह से भी ये हाइमेन जो मैंने आपको शो कर रही हूँ हाइमेन, इसका ये ब्रेक होने का चांसेस रहता है। तो मियर हाइमेन ब्रेक हो गया करके लेडीज नॉट या लड़की इज नॉट वर्जिन, ये सोचना या ये कंक्लूजन निकालना गलत है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी तो मैं बस इतना जो भी आपको पढ़ाया, व्हाट एवर आई टॉट, यहां तक मैं फिनिश कर रही हूँ आप लोगों को। कल जब हमारा लेक्चर होगा तो मैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया से स्टार्ट करूंगी। तो कुछ बच्चों का केमिस्ट्री का लेक्चर बता दिया, तो नाउ आई एम गोइंग टू स्टॉप। और अगर आपको कुछ करना, देखो हमारा ग्रुप्स भी बना है, आप लोगों को पता होगा कि पीडीएफ में शाम को भेजूंगी, मेरा आधा एक दो चार स्लाइड्स और एड करने हैं, तो बिफोर 6 आपको मिल जाएगा।
ठीक। और पीडीएफ से पढ़ना स्टार्ट करो, लेकिन या जिससे भी पढ़ो, ऐसा नहीं कि पीडीएफ से ही पढ़ो, आपको जिसमें से इजी लगता है प्लीज स्टार्ट रीडिंग। और आप लोग को जो भी सजेशन देना है फीडबैक, क्योंकि जूम की मीटिंग के बाद सारे सजेशन वाइप ऑफ हो जाते हैं, आप लोगों को पता होगा। मेरा पर्सनल नंबर भी आप ग्रुप में है, या आप ग्रुप में भी पोस्ट कर सकते हो, जो भी बताना चाहते हो यू कैन पोस्ट मी। सो आई एम मेकिंग द एंड ऑफ बिफोर गोइंग दैट जस्ट चेक आउट 42। ओके ठीक है, ओनली 42 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है, नंबर बहुत कम है। घर में बैठे बैठे लेक्चर अगर सुनने का मौका मिल रहा है, टेल योर फ्रेंड्स टू ज्वाइन द थिंग्स सो दैट थोड़ा स्टडी उनका आगे बढ़ेगा। ओके मिस मीरा क्या है, या बाय बाय टू एवरीवन एंड बी सेफ। जैसे हम लोग हर किसी को बोल रहे हैं घर पे रहो, आपकी जो भी क्लासेस है वो ऑनलाइन ही लो, मिनिमम बाहर जाओ, जब बहुत जरूरी है तो ही जाओ, स्पेशली बॉयज फ्रेंड के पास जा रहा हो, घूमने जा रहा हो, वो सब बंद करो और घर में बैठ के अच्छे से पढ़ाई करो। दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी यू पीपल हैव गॉट टू बी एट होम एंड डू द स्टडीज। नहीं तो हमारे आने जाने में ही, मतलब क्लास में जा रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, उसमें टाइम जाता है, तो घर में बैठे तो अच्छे से पढ़ाई करो। नाउ आई एम मेकिंग द एंड ऑफ दिस मीटिंग। आप लोग को कुछ भी सजेशंस है, कुछ भी पूछना है, डाउट्स है, पर्सनल नंबर पे भी पूछ सकते हो व्हाट्सअप करके, या फिर आप मुझे अपना जो ग्रुप है बायोलॉजी का 1 और 2 उसमें भी आप पोस्ट कर सकते हो, जो भी आप कहना चाहते हो या जो भी आप सुनना चाहते हो। ठीक है, सो आई एम मेकिंग द एंड ऑफ दिस मीटिंग। थैंक यू।